सबके साथ 1.5 साल सूख गई लाश, अकड़ गई हड्डियां, माँ बाप बोले चिंता है हमारा बेटा, रोज गंगा जल से पोछते हैं। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी रोशन नगर में एक परिवार 1.5 साल से आयकर अधिकारी की लाश के साथ रह रहा था। मामले की जानकारी तब हुई जब शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि परिजनों ने शुक्रवार शाम सबका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने कागजी कार्यवाही के बाद सबको परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने देर शाम पुलिस की मौजूदगी में भैरव घाट स्थित विद्युत सभागार में अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड कर्मचारी राम अवतार रोशन नगर में परिवार के साथ रहते। 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा बिमलेश जो 35 साल का था, अहमदाबाद में इनकम टैक्स में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर AAO के पद पर था। बिमलेश की पत्नी मिताली किदवई नगर स्थित सहकारिता बैंक में कार्यरत है। पिता राम अवतार ने पुलिस को बताया कि 18 अप्रैल 2021 को बिमलेश कोरोना संक्रमित हो गए थे। परिजनों ने उन्हें बिरहाना रोड स्थित मोती हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 22 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ बिमलेश के परिजनों को बिमलेश के शव को सुपुर्द कर दिया। घर आने के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी मां राम दुलारी ने बिमलेश के दिल की धड़कन आने की बात कहकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। तभी से माता पिता उसके शव को घर में एक कमरे में रखकर देखभाल कर रहे थे। घर पर बिमलेश की पत्नी मिताली के अलावा बिमलेश के भाई और सुनील दिनेश के परिवार भी रह रहे हैं। 1.5 साल से हमारा बेटा इसी हालत में है, हमने उसके शरीर पर कोई केमिकल नहीं लगाया है। शरीर में कहीं पानी निकलता था तो गंगा जल से साफ कर देते थे। शुरुआत में कुछ महीने बदबू आई, पर कुछ महीने बाद बदबू आनी बंद हो गई। हमारा बेटा जिंदा है, यह बात बिमलेश के पिता राम अवतार और माँ राम दुलारी ने कही। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची, दरअसल आयकर विभाग से पत्र मिलते ही शुक्रवार को सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ओपी गौतम के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी थी। कमेटी में कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अविनाश यादव, डॉक्टर आशिफ आदि थे। कमेटी के अनुसार जब वह घर पहुंचे तो बिमलेश का शव कमरे में एक पलंग पर पड़ा था, जो मम्मीफाइड जैसा हो गया था। हाई अलर्ट में डॉक्टरों ने उसकी ईसीजी कराने के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाई अलर्ट के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के मौर्य का कहना है कि सब मम्मीफाइड हो गया था, दूर से बदबू महसूस नहीं हो रही थी। मरीजों को बिमलेश के मृत होने के सबूत भी दिए गए, लेकिन परिजन थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। इस खबर में बस इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता हुआ ETV न्यूज चैनल।